हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ पायरेट्स किंगडम वाटर पार्क, जो कि सोनीपत के खड़कोड़ा में पड़ेगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस वाटर पार्क से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा, आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ का टाइमिंग क्या रहेगा, टिकट क्या रहेगा, अंदर आप कौन कौन से स्लाइड्स कर पाएंगे, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये जगह NH 334B खरखोड़ा बाईपास सोनीपत में पड़ेगा और ये जगह GT रोड से कनेक्टेड है। यहाँ तक पहुँचने का बेस्ट वे है आप कश्मीरी गेट ISBT से बस लेकर आए, फिर आप अपने खुद के व्हीकल से आए। आगे अगर आप यहाँ तक अपने खुद के व्हीकल से आते हैं तो गूगल मैप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस गेट के जस्ट सामने आप यहाँ पे पार्किंग एरिया देख सकते हैं, जिसमें 2-व्हीलर का पार्किंग चार्ज 20 रुपए रहेगा और 4-व्हीलर का 50 रुपए रहेगा पूरे दिन के। अंदर आते ही कॉर्नर पे आपको ये टिकट काउंटर दिख जाएगा। बाकी टिकट प्राइस वगैरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे टिकट प्राइस क्या रहने वाला है। यहाँ पे एंट्री टिकट चार्जेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हाइट बिलो 3 फीट की एंट्री फ्री है, चाहे वीकडेज को आओ, चाहे वीकेंड्स पे यहाँ पे आओ, चाहे हॉलीडेज को यहाँ पे आओ। बच्चे जिनकी 3 से लेकर 4 फीट की हाइट है उनकी 500 रुपए की टिकट है वीकडेज पे, और 600 रुपए की टिकट है वीकेंड्स और हॉलीडेज पे। स्टैग एंट्री जिनकी मतलब 4 फीट से ज्यादा की हाइट है उनकी 800 रुपए की टिकट है वीकडेज पे, और 900 रुपए की टिकट है वीकेंड्स और हॉलीडेज पे। कपल भी अगर यहाँ पे आते हैं तो 1500 रुपए की टिकट है उनकी वीकडेज पे, सैटरडे संडे और हॉलीडे को 1600 रुपए की टिकट है। सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल से ऊपर के हैं और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाते हैं तो उनकी 500 रुपए की टिकट है वीकडेज पे, और 600 रुपए की टिकट है वीकेंड्स और हॉलीडेज पे। इसके अलावा आपको एक डिस्काउंट भी बताने वाले हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये फ्लैट डिस्काउंट है ₹100 का, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो यहाँ पे पार्क का टाइमिंग लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये पार्क सुबह 10 बजे खुलेगा और शाम के 6 बजे तक खुला रहेगा। बाकी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है, जैसे कि वाटर पार्क में पानी में जाने के लिए कॉस्ट्यूम का उपयोग अनिवार्य है, केवल नाइलॉन या फिर लाइकरा के कॉस्ट्यूम ही उपयोग करें। छोटे बच्चों के साथ बहस होना जरूरी है, माता पिता अपने बच्चों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। कोई भी खाद्य पदार्थ पार्क के अंदर ले जाना सख्त मना है। तो ये सारी चीजें आप आराम से वीडियो को रोककर पढ़ के उसके बाद अंदर एंट्री कर पाएंगे। तो टिकट खरीदने के बाद इस तरह का कुछ बैंड आपको मिलने वाला है। पार्क के अंदर और पूरा पार्क एक्सप्लोर करते हैं और आपको सारे राइड्स सारे स्लाइड्स दिखाते हैं। तो पार्क के अंदर जाने से पहले आपके हाथ में इस तरह से बैंड बांध दिया जाएगा, फिर आप पार्क अंदर जा सकते हैं। बांध दिया गया बैंड, तो दोस्तों अंदर आने के बाद ये कुछ कार राइड, बाइक राइड ये भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे कैंटीन एरिया भी बनाया हुआ है जहाँ पे आप काफ़ी कुछ खा पी सकते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप आराम से वीडियो रोककर देख सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह के ट्यूब भी आप खरीद सकते हैं, खरीद के उसके बाद वाटर पार्क में जाके इसको लेके इंजॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी खरीद सकते हैं। उधर भी स्लाइड है, मैट स्लाइड है, उधर फैमिली पूल है, पीछे वेव पूल है, यहाँ पे ये डबल पेंडुलम स्लाइड है। आज ही ओपन हुआ है तो कई सारे राइड आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे ये चेंजिंग रूम वगैरह आप देख सकते हैं, ये जेंट्स चेंजिंग रूम होगा और इधर लेडीज चेंजिंग रूम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस किसमें किसमें लगने वाले हैं, जैसे कॉस्ट्यूम अगर आप यहाँ का लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। जेंट्स बरमूडा अगर आप रेंट पे लेते हैं तो 60 रुपये इसका रहेगा, और सिक्योरिटी के लिए आपको 200 रुपये और जमा करने पड़ेंगे जो कि रिफंडेबल होगा, बाद में आपको वापस मिल जाएंगे। और अगर आप परचेस करते हैं तो 300 रुपये देकर आप परचेस भी कर सकते हैं। वहीं जेंट्स टी शर्ट का जो रेंट रहेगा वो 50 रुपये रहेगा, सिक्योरिटी चार्ज 150 रुपये और जमा करने पड़ेंगे। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो 400 रुपये देकर परचेस भी कर सकते हैं। वही लेडीज सेट अगर आप लेते हैं तो उसका रेंट रहेगा 150 रुपये, सिक्योरिटी चार्ज आपको 300 रुपये और जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप परचेस करते हैं तो 400 रुपये देकर आप परचेस भी कर सकते हैं। गर्ल्स फ्रॉक अगर आप रेंट पे लेते हैं तो इसका रेंट रहेगा 100 रुपये, और 200 रुपये सिक्योरिटी चार्ज आपको देने पड़ेंगे, टोटल 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लॉकर आप रेंट पे लेते हैं तो 100 रुपये लॉकर का रहेगा, सिक्योरिटी आपको 200 रुपये और जमा करने पड़ेंगे, टोटल 300 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अगर आप मोबाइल कवर खरीदते हैं तो इसका चार्ज रहेगा 150 रुपये। और जेंट्स का कॉस्ट्यूम कुछ इस तरह का रहने वाला है, ये रेंट वाला ही खरीदने वाला है। अच्छा, रेंट और खरीदने वाला दोनों सेम रहेगा। ओके ओके ओके, अच्छा परचेज भी कर सकते हैं और रेंट पे भी ले सकते हैं, सेम ऐसा ही रहेगा दोनों। तो दोस्तों ये कुछ कॉस्ट्यूम यहाँ का रहने वाला है। बाकी गाइज ये कुछ लॉकर एरिया यहाँ का रहने वाला है। अगर छोटे छोटे बैग है तो 2 बैग आप इसमें रख सकते हैं, बड़ा बैग है तो 1 बैग इसमें आप रख सकते हैं। बाकी 2 टाइप के लॉकर है, इस तरफ छोटे लॉकर होंगे और इस तरफ बड़े लॉकर होंगे। तो दोस्तों लॉकर हमने ले लिया है, ये कुछ लॉकर साइज रहने वाला है। 2 बैग तो आप आराम से इसमें रख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा साइज है इसका, 2 बैग आराम से रख सकते हैं। 1 बैग मैंने रख दिया है, यहाँ का लॉकर एरिया, 1 बैग मैंने रख दिया है और देख सकते हैं कितना जगह भी बचा। आ जाएंगे आराम से, 2 बैग आराम से इसमें आ जाएगा। चाबी आपको अपने पास रखूंगी, चाबी और बिल वापस देने पे ही आपको 200 रुपए रिफंड होंगे लॉकर के। दोस्तों अब मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ यहाँ पे जेंट्स चेंजिंग रूम दिखाने, यहाँ का चेंजिंग रूम किस तरह का होने वाला है। तो दोस्तों ये रहेगा यहाँ का कुछ चेंजिंग रूम,
अंदर आने के बाद ये सबसे पहला जो टावर है, इसमें आप 5 स्लाइड कर पाएंगे। पेंडुलम वाला स्लाइड कर पाएंगे, ये बॉडी स्लाइड है, ये वाला फैमिली स्लाइड होगा, एक टनल स्लाइड होगा और एकदम कोने वाला ये भी ट्यूब स्लाइड होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, दो बॉडी स्लाइड होगा, साथ में मैट स्लाइड होगा और ये होगा किड्स पूल। और यहाँ पे किड्स पूल में कई सारे राइड्स भी बच्चे कर सकते हैं। बाकी बीच बीच में बाल्टी भर के एकदम गिरता अचानक से, बड़ा मजा आता है। बीच बीच में ना इस तरह से पायरेट कैफे शॉप होगा और यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर होगा, वाटर बॉटल होगा 30 रुपए का, लेमन वाटर होगा, ये सारे ड्रिंक्स भी आप यहाँ पे पी पाएंगे। बाकी ये रहेगा यहाँ का बेब पुल। सबसे पहले आपको ट्यूब में बैठना पड़ेगा, फिर स्लाइड होते हुए नीचे जाओगे और ये डबल पेंडुलम है। पहले पेंडुलम को पार करके आप दूसरे पेंडुलम में पहुंचोगे। तो दोस्तों डबल पेंडुलम में ऊपर से डबल ट्यूब में स्लाइड करते हुए आओगे और पहले ये वाला जो एरिया है इसको पार करके दूसरे एरिया में जाके इसी तरह से आप नीचे जाके रुकोगे। तो काफ़ी अच्छा स्लाइड है यहाँ का और पहली बार ये वाला स्लाइड मैं करने जा रहा हूँ। ये ऊपर तो भाई आ रहे हैं, पहले दिखाते हैं आपको किस तरह का ये स्लाइड होने वाला है। और ये दो लोग आने वाले हैं। 3, 2, 1 ये भाई साहब देखो, ओ ये वापिस हो गया। असल में ये दूसरा वाला नहीं हो पा, लेकिन दूसरा वाला नहीं हो पाया वो। हाँ, वो आगे नहीं जा। वो निकलने वाला है, देखना वहां से ये निकला। ये टनल वाला स्लाइड में करने जा रहा हूँ। कितनी स्पीड से गिरता है, ओ भाई साहब। गाइस देखना ये फैमिली स्लाइड में एक बंदा आ रहा है, कितनी तेजी से गिरता है ये देखना। ओ भाई साहब ये देखना, वो गजब ये गिरा भाई। ये रहेगा यहाँ का रैंड डांस एरिया और देख सकते हैं बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बाल्टी गिरने वाली है। ये मजा आने वाला है, ये गिरा। किड्स पूल में करीब 7 से 8 राइड भी आपको करने को मिलेगा, तो चलिए एक एक करके राइड करके भी आपको दिखाते हैं किस तरह का राइड आप यहाँ पे कर पाएंगे। Yeah.
तो देख सकते हैं बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। सबने एक एक ट्यूब ले रखा है और ये शायद 220 रुपए का पड़ेगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भाई साहब फुल एंजॉय। कुछ वेव पुल और वेव स्टार्ट है और अब वेव देखना, जबरदस्त वेव है यहाँ का।